देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों एक ऐसे संकट से जूझ रही है जिसका निदान अगर जल्दी नहीं हुआ तो ये संकट कोहराम मचा सकता है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। दिल्लीवासी यमुना पर पानी के लिए आश्रित हैं, लेकिन यमुना में खुद पानी नहीं है। कहते हैं कि कुआं के पास अगर प्यासा हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ है। वैसे ही यमुना का भी हाल है। आप देख सकते हैं कि ये यमुना नदी, जो कि इसमें पानी अमूमन ठीक ठाक होता है, लेकिन इस समय बिल्कुल पानी कम हो चुका है। पानी की हालत ये है कि लगातार इसमें पानी सप्लाई कम हो रही है और जिसके कारण दिल्ली वासियों को प्यासा रहना पड़ रहा है। लोग कुछ नज़र आ सकते हैं आपको, जो कि गर्मी से राहत अपने आप को पहुंचाने के लिए यमुना में प्रवेश किए हुए हैं, लेकिन गर्मी ने हालात और ख़राब कर दिए हैं और ये लगातार स्थिति है कि लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रही है। और साफ तौर पर है कि दिल्ली वासियों को लगातार पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इसका साफ है कि कहीं ना कहीं यमुना में जितना पानी होना चाहिए था वो पानी नहीं हो पा रहा है और यही वजह रही है कि लगातार पानी की कमी महसूस की जा रही है। दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत कब दूर होगी, उनको पानी कब नसीब हो पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और स्थानीय लोग लगातार ये मांग करते रहे हैं कि सरकारें उनके लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है। दादा, पानी की स्थिति क्या नज़र आ रही है आप लोग? बहुत स्थिति ख़राब है सर पानी की। सरकार मौजूदा हालात में नहीं दे पा रही थी, अब तो वैसे भी सूखा पड़ा हुआ है, पानी है ही नहीं। जमुना की स्थिति आप देख रहे हो, टंकियों में नहीं आ रहा, सब घरों में पानी, किसी घर में पानी नहीं आ रहा। डेली बोतल खरीदते हैं, वो बिसलरी का 20-30 रुपए का आता है, उसी से काम चलाते हैं। टैंकर्स भी उपलब्ध नहीं आते इधर, नहीं आते टैंकर्स। प्लांट के करीबी वाला एरिया है ना, यहाँ पर टैंकर्स नहीं आते। कारण क्या है? सरकार तो कहती है कि हम सबको पानी पहुँचा रहे हैं। अब सरकार तो कुछ भी कहती हो तो कहती है स्कूल मैंने नंबर वन बना दिए, मैंने रोड ये कर दिया, मैंने अस्पताल बना दिए, लेकिन आप तो देखो ना कहाँ कहाँ पर हैं वो चीज़ें। सरकार तो कह रही है 200 कितना यूनिट पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन जाके तो देखो 2 लीटर भी पानी नहीं आ रहा पूरे दिन में 24 घंटे में घर में किसी के। तो आप लोग कैसे चलाते हैं अपना? खरीद रहे हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है ना। बच्चों को तो पिलाना है या खाना तो बनाना है, खरीद रहे हैं। 20 रुपये का 30 रुपये का बोतल खरीदते हैं या वो भरने वाले आते हैं 10 रुपये का भरते हैं, उनसे भरवाते हैं। फिर प्राइवेट टैंकर? हाँ, प्राइवेट टैंकर नहीं, वो प्राइवेट पानी बेचने वाले हैं, वो पानी बेचते हैं वो लोग। 10 रुपये का कोई भर देता है 20 गैलन, कोई 15 रुपये का गैलन भरता है, जैसी उसके पानी की क्वालिटी है, कोई 30 रुपये का भरता है, तो उन्हीं लोगों से भरवा रहे हैं और वही लोगों से लेके काम चला रहे हैं सब। आप लोग यमुना के आसपास हैं, इस फिर भी यह स्थिति है, देख लो आप। हाँ बिल्कुल, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये यहाँ से इंटेक है, वहीं से पानी एंटर करता है। वहाँ पे जाके देखो ना, रेता जमा हुआ है, इंटेक के ऊपर ही रेता है, तो पानी अंदर कहाँ से जाएगा, पानी है ही नहीं कहीं। क्या स्थिति लग रही है पानी? तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद इसमें ना एक बार वीडियो में बना के देखो, जो यहाँ प्याऊ लगी हुई है उसका बटन दबा रहे, उसको लाइव दिखाओ, यहाँ पे पब्लिक प्यासी मर रही है। हमसे ज्यादा पूछने से आप साक्षात उसको ना उसका टूटी का नल दबाइए और उसमें देखो पानी आ रहा नहीं आ रहा, हमसे पूछने से क्या होगा? सप्लाई भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, यहाँ पे क्या करें? यहाँ जमुना का किनारा, सफाई भी ऐसा हो रहा, पानी नहीं है, हर आदमी 20-20, 30-30 रुपए का खरीद रहा है, जीना तो पड़ेगा हर आदमी को। परसों दशहरे का नहान था, गंगा दशहरा होता है ना, सब लोग यमुना पे नहाने आते हैं, आए लोग पानी देख के वापस चले जा रहे हैं, कह रहे घर में नहाएंगे, पानी खरीद के नहाएंगे, क्या करेंगे जब पानी नहीं है, क्योंकि कीचड़ है, जो पानी की जगह कीचड़ है, जो अंदर भरा हुआ दिख रहा है ना आपको, चमक रहा है कि पानी है वहाँ पे, जैसे रेगिस्तान में रेत चमकता है पानी समझते हैं लोग, ऐसे वहाँ पे जाके देखो तो हाथ डालोगे कीचड़ है। बुरी स्थिति है पानी की? पानी की काफ़ी स्थिति बुरी है, यहाँ पे है नहीं पानी, यहाँ पे पानी नहीं, पानी खरीद के ही पीना पड़ रहा है। जी भाई, साफ तौर पर है कि दिल्ली वासी पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से उसका इंतजाम किया जाए, पानी खरीद करके पी रहे हैं और ऐसे में जब पानी की किल्लत होती है तो तमाम लोग निश्चित रूप से बीमार की स्थिति भी होते हैं, तबीयत भी ख़राब होती है और तमाम समस्याएँ उनको जगड़ती हैं, लेकिन सरकारें हैं कि उनके काम पर जू नहीं रेंग रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि तमाम दावा और वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को पानी कब तक मुहैया करा पाती है। करण मोहित के साथ में अक्षर आए, भारत 24।